हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषिकेश शिंदे आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम हैलोजन डेरिवेटिव्स ये यूनिट पढ़ रहे थे जो क्लास 12 का यूनिट है, और इसके हम कर रहे थे एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने सब थ्योरी पढ़ ली है, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन आने के लिए थ्योरी का मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन है नेम द रिएजेंट यूज टू ब्रिंग आउट फॉलोइंग कन्वर्जन। मतलब हमें कुछ कन्वर्जन करने हैं, और ये कन्वर्जन करने के लिए जो रिएजेंट यूज होता है उस रिएजेंट का हमें नाम बताना है। तो बेसिक चीज है, अगर आपने कन्वर्जन मतलब आपने अगर रिएक्शन अच्छे से करी है तो आपको ये इजीली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, अभी क्वेश्चन देखने हैं हमें। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए नंबर, ब्रोमो इथेन, मतलब हमें कन्वर्जन किसका करना है, ब्रोमो इथेन टू इथॉक्सी इथेन, ब्रोमो इथेन टू इथॉक्सी इथेन, ये कन्वर्जन हमें करना है। और ये कन्वर्जन करने के लिए जो रिएजेंट यूज होता है उस रिएजेंट का नाम हमें बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे हम देखिए। तो किसे कन्वर्ट करना है, तो ब्रोमो इथेन को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, तो इथॉक्सी इथेन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रोमो इथेन लिख लेता हूँ, ब्रोमो इथेन। अब ब्रोमो इथेन निकालेंगे कैसे ना, इसका हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला देखिए एक बार, यहाँ पे इथ है, इथ है मतलब क्या है, दो कार्बन है, ये हो गए दो कार्बन। उसके बाद एएनई है, एएनई मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ब्रोमो है, ब्रोमो है मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बीआर आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे दो आएंगे और यहाँ पे तीन आएंगे। तो ये हो गया आपका ब्रोमो इथेन। तो हमें चाहिए रिएजेंट, रिएजेंट मतलब क्या, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो वो रिएजेंट हमें चाहिए, और बनाएगा क्या, तो बनाएगा इथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो आगे लिख देता हूं मैं, क्या बनाना है हमें, बनाना क्या है, इथॉक्सी इथॉक्सी इथेन हमें बनाना है। तो इथॉक्सी इथेन हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए इथ है, इथ है मतलब क्या है, दो कार्बन है। ठीक है, ये हो गए दो कार्बन, ऑक्सी कार्बन लिख लिया मैंने दो, ऑक्सी मतलब कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सी मतलब क्या है, ऑक्सीजन है, ये हो गया इथॉक्सी। बाद में इथेन, इथेन मतलब फिर से दो कार्बन है। ठीक है, ये फिर से दो कार्बन हो गए। अभी हाइड्रोजन आप सभी को एडजस्ट करना है, फिर से लिखता हूँ एक बार मैं, देखिए यहाँ पे इथ मतलब होता है दो कार्बन, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन, इथ फिर से दो कार्बन आएंगे, एक कार्बन दो कार्बन। अभी हाइड्रोजन एडजस्ट करेंगे, तीन दो दो और यहाँ पे तीन। ठीक है, तो ये हमने बना दिया इथॉक्सी इथेन। तो अभी देखिए आपके पास CH3CH2 ये है, यहाँ पे, यहाँ पे भी आपको ये दिख रहा है CH3CH2। तो आपको क्या नहीं दिख रहा है, तो आपको नहीं दिख रहा है इस तरफ, इस तरफ क्या नहीं दिख रहा है, OCH2CH3, ये आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे चाहिए, अगर ये OCH2CH3 यहाँ पे होगा तो ही तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, तो उसे एक बार इधर लिख लेते हैं OCH2CH3। अगर आपने रिएक्शन अच्छे से करी होगी तो आप सभी को पता है, अगर यहाँ पे आपको रिएक्शन करनी है तो यहाँ पे आपको Na लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, Na, और इसे हम कहते हैं Na मतलब होता है सोडियम, दो कार्बन है इसलिए इथ, और ऑक्सीजन है इसलिए क्या होता है, ऑक्साइड। मतलब हमें रिएक्शन करनी पड़ती है सोडियम इथॉक्साइड के साथ, तो इसे हम सोडियम इथॉक्साइड के साथ क्या करते हैं, हिट करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ से Br और यहाँ से Na बाहर निकालता है, और आपका जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो बनता है NaBr। क्लियर है सभी को। तो अगर आपने ब्रोमो इथेन को हिट किया किसके साथ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ, तो आपको क्या मिलता है, इथॉक्सी इथेन। तो ऐसे आपको ये कन्वर्जन करनी है। तो आपका रिएजेंट का नाम क्या है, तो रिएजेंट नेम क्या है आपका, यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे ये जो है आपका ब्रोमो इथेन, इसे कहते हैं हम सबस्ट्रेट, क्या कहते हैं, इसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम सोडियम इथॉक्साइड के साथ, तो सोडियम इथॉक्साइड क्या हो गया हमारा, रिएजेंट हो गया। ठीक है, तो आपने रिएजेंट पहचान लिया, मैंने बोला है आपको सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट हमेशा ऑर्गेनिक होता है, और जो रिएजेंट होता है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, मैंने आपको पढ़ाया है पहले। ठीक है,
तो आपका जो रिएजेंट है यहाँ पे, तो नाम क्या लिखना है आपको रिएजेंट का? हियर द रिएजेंट इज सोडियम इथोक्साइड। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है? तो चलो एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, कन्वर्जन करते वक्त आपको करना क्या है। अगर आपको थ्योरी अच्छे से पता है तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी अगला क्वेश्चन है बी नंबर, कन्वर्जन करना है हमें वन क्लोरो प्रोपेन। क्या दिया है हमें? वन क्लोरो प्रोपेन टू, इसे कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? वन नाइट्रो प्रोपेन में। वन क्लोरोप्रोपेन को कन्वर्ट करना है वन नाइट्रोप्रोपेन में। ये आपको क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या आपके पास रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है ये पहचानना है। तो कन्वर्जन करना है, नेम द रिएजेंट यूज टू ब्रिंग आउट फॉलोइंग कन्वर्जन। कन्वर्जन करना है, कौन सा कन्वर्जन है? वन क्लोरोप्रोपेन को वन नाइट्रोप्रोपेन में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? तो वन क्लोरोप्रोपेन को कन्वर्ट करना है वन नाइट्रोप्रोपेन में, मतलब ये आपका रिएक्टेंट है और ये क्या है? आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे वन क्लोरोप्रोपेन बना लेता हूं। वन क्लोरोप्रोपेन तो प्रॉप है, प्रॉप का मतलब होता है तीन कार्बन। तो यहां पे मैं तीन कार्बन लिख लेता हूं, एक दो तीन। और पहले कार्बन पे कौन है? क्लोरो। और ANA मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड है, पहले कार्बन पे क्लोरो, तो ये पहला कार्बन लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा? क्लोरो। हाइड्रोजन एडजस्ट कर लेते हैं, दो यहां पे, दो और यहां पे तीन। तो ये हो गया आपका वन क्लोरो प्रोपेन। फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए वन नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, क्या चाहिए आपको? वन नाइट्रो प्रोपेन। तो यहां पे आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन है? वन नाइट्रो प्रोपेन, ये आपका प्रोडक्ट है। तो अगर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर हमें क्लोरोप्रोपेन को कन्वर्ट करना है वन नाइट्रोप्रोपेन में, मतलब आपको क्या चाहिए? तो ये जो यहाँ पे Cl है, इस Cl के जगह, मतलब क्लोरो के जगह आपको कौन चाहिए? नाइट्रो चाहिए। क्लोरो के जगह कौन चाहिए? नाइट्रो चाहिए। तो आपने जो रिएजेंट यूज किया था वो रिएजेंट क्या था? तो रिएजेंट था आपका AgOn था, क्या ऐसा कुछ ही था ना? AgOn डबल बॉन्ड O, ये आपका रिएजेंट था। क्लियर है सभी को? तो अभी हुआ क्या था, तो आप सभी को पता है इस Cl पर क्या होता है? पार्शियल निगेटिव। कार्बन पर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव आता है और कार्बन के ऊपर क्या रहता है? पार्शियल पॉजिटिव। तो आप सभी को पता है अभी नाइट्रोजन के पास क्या होती है? लोन पेयर होती है ना। अब नाइट्रोजन क्या करता है? ये लोन पेयर इसको डोनेट करती है, इस कार्बन को, और ये नाइट्रोजन क्या करता है? कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3 CH2 CH2। और यहां पे नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है। अभी होता क्या है देखिए एक बार, अगर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो नाइट्रोजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो अभी यहां पे और क्या होता है? तो यहां पे Ag और Cl क्या बनाता है? Ag और Cl यहां पे बनाता है AgCl। ये बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो नाइट्रोजन का बॉन्ड किसके साथ था? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए मतलब ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये कौन सा ग्रुप है? ये नाइट्रो ग्रुप है। और तीन कार्बन का प्रोपेन, तो किसका फॉर्मेशन हो गया? नाइट्रो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। अभी इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, ये Ag मतलब होता है सिल्वर, Ag मतलब होता है सिल्वर, और ये है NO2, NO2 मतलब होता है नाइट्राइड। तो आपको रिएक्शन किसके साथ करनी है? सिल्वर नाइट्राइड के साथ आपको इसे हिट करना है। क्लियर है सबको? मैंने पढ़ाया है पहले भी। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्राइड के साथ आपको हिट करना है। तो यहाँ पे ये जो है आपका, ये है आपका सबस्ट्रेट। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कर दी? रिएजेंट के साथ।
तो आपका यहाँ पे जो रिएजेंट है वो रिएजेंट कौन है, सिल्वर नाइट्राइड। क्लियर है सभी को, आपका रिएजेंट कौन है यहाँ पे, सिल्वर नाइट्राइड। तो आपको वही यही पूछा था, नेम द रिएजेंट, तो रिएजेंट का नाम क्या, हियर द रिएजेंट इज सिल्वर नाइट्राइड। और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एजी और सीएल क्या बनाएंगे, एजी और सीएल बनाएंगे, एजी सीएल। क्लियर है सबको, समझ में आ गया कैसे करना है सॉल्व क्वेश्चन। तो अप्रोच आपको आना चाहिए, मतलब क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये चीज आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले रिएक्टेंट लिखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको रिएक्शन किसके साथ करनी है ये चीज पहचानो। अगर आपने ये चीज पहचान ली तो आप इजीली रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी, तो इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको अच्छे से क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, है ना। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो आपको आंसर नहीं आएगा, तो बेसिक चीजें आप सभी को याद रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर, इथिल ब्रोमाइड क्या कन्वर्जन करना है हमें, इथिल ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड टू इथिल आइसोसाइनाइड, इथिल आइसोसाइनाइड, ये कन्वर्जन अभी हमें करना है। तो देखिए किसे कन्वर्ट करना है, किसके अंदर, इथिल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना है इथिल आइसोसाइनाइड के अंदर। कैसे करेंगे, देखिए इथिल ब्रोमाइड, सबसे पहले मैं यहां पे इथिल ब्रोमाइड लिख लेता हूं। तो इथिल ब्रोमाइड है, तो इथ मतलब दो कार्बन, ब्रोमाइड मतलब बी आर, क्लियर। हाइड्रोजन एडजस्ट करो, यहां पर आएंगे दो और यहां पर आएंगे तीन, ये हो गया इथिल ब्रोमाइड। और बनाना क्या है, इथिल आइसोसाइनाइड, मतलब आपका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कौन है आपका, इथिल आइसोसाइनाइड, इथिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड चाहिए, ठीक है, क्लियर है सबको। तो इथ मतलब क्या होता है, दो कार्बन, और आइसोसाइनाइड मतलब क्या होता है, एनसी, सबको पता होना चाहिए। आइसोसाइनाइड मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप, एनसी। हाइड्रोजन एडजस्ट कर लेते हैं, तीन और यहां पे कितने आएंगे, दो। तो ये हो गया आपका इथिल आइसोसाइनाइड। अब सभी को पता होना चाहिए, अगर आपके पास अल्किल ब्रोमाइड है, मतलब अल्किल हैलाइड है, और अल्किल हैलाइड को आप आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको रिएक्शन किसके साथ करनी है, तो आपको ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन करनी है ए जी, ए जी सी एन के साथ। किसके साथ करनी है रिएक्शन, ए जी सी एन, है ना। अब ए जी सी एन क्या होता है, ये अल्कोहलिक चाहिए, है ना, इसका नाम होता है अल्कोहलिक। ए जी मतलब सिल्वर और सी एन मतलब क्या होता है, साइनाइड। तो अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ हमें इसे हिट करना है। जब आप अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ इसे हिट करती है तो होता क्या है, देखिए तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी आर पे पार्शियल निगेटिव, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रो निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसकी तरफ के इलेक्ट्रॉन बी आर की तरफ चले गए, ठीक है। तो अभी कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये जरूरत कौन पूरा करेगा, नाइट्रोजन पूरा करेगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन इसे इलेक्ट्रॉन की पेयर देगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। देखिए सी एच थ्री सी एच टू के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है, एन बॉन्ड बना रहा है, और एन को कौन अटैच है, सी अटैच है, तो ये हमने एन के साथ सी लिख दिया। और यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से ए जी और यहाँ से बी आर, तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपको इस तरह इसे दिखाना है। और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, बाय प्रोडक्ट बनेगा ए जी बी आर, कौन बनेगा बाय प्रोडक्ट, ए जी बी आर। तो ऐसे ये रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले ये जो है आपका, इसे आप क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, और इसकी इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी हमने, रिएजेंट। तो आपका यहाँ पे रिएजेंट कौन है, तो रिएजेंट है आपका अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड। तो आपका आंसर होगा हियर द रिएजेंट इज अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड। तो ऐसे रिएक्शन होती है और इथिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको साइनाइड बोला होता, इथिल साइनाइड बोला होता, तो यहाँ पे हम पोटेशियम साइनाइड लेते थे, सिल्वर साइनाइड लेते थे क्या, पोटेशियम साइनाइड लेते थे और रिएक्शन करते थे। तो आपको याद रखना है, अगर साइनाइड बनाना है तो पोटेशियम साइनाइड लो, अगर आइसोसाइनाइड बनाना है तो सिल्वर साइनाइड हमें लेना है। क्लियर है सबको, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमें, फोर्थ नंबर सॉल्व करेंगे हम डी। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या गिवन है हमें,
क्वेश्चन गिवन है क्लोरोबेंजीन टू बायफिनिल, किसे कन्वर्ट करना है, क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है किसमें, बायफिनिल के अंदर, बायफिनिल, ठीक है, क्लोरोबेंजीन को हमें कन्वर्ट करना है बायफिनिल के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्लोरोबेंजीन बोला है, क्लोरोबेंजीन कैसे निकालेंगे, अभी सबसे पहले मैं यहां पे क्लोरोबेंजीन लिख देता हूं, क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन है मतलब मैंने सबसे पहले यहां पे बेंजीन की रिंग निकाल ली, ये हो गई बेंजीन की रिंग, उसको क्या अटैच करना है, क्लोरो, क्लोरो मतलब क्या होगा, सीएल, क्लियर है सबको। उसके बाद और इसकी रिएक्शन, पहले तो आप प्रोडक्ट देख लीजिए क्या है एक बार, तो प्रोडक्ट क्या बनाना है आपको, प्रोडक्ट बनाना है बायफिनिल। अब बायफिनिल क्या होता है, सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए बायफिनिल क्या होता है, तो बाय मतलब है दो, और दो कौन है, फिनिल, दो फिनिल है मतलब क्या, तो देखिए ऐसे निकालते हैं हम, ऐसे अगर मैंने बेंजीन की रिंग निकाली और बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया तो इसे हम फिनिल कहते हैं, तो ये स्ट्रक्चर किसका है, फिनिल का, ऐसे फिनिल हमें दो चाहिए मतलब बाय फिनिल है, तो एक फिनिल हम इधर से इसे अटैच कर देते हैं ऐसे, ये जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है इसे कहते हैं हम बायफिनिल, एक फिनिल ये दूसरा फिनिल दोनों को ज्वाइन कर दिया तो बायफिनिल, मतलब जब आप दो बेंजीन रिंग को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो इसे हम क्या कहते हैं, बायफिनिल कहते हैं, तो हमें बायफिनिल बनाना है। तो आपको पता क्या चला, तो ये जो पार्ट है आपका रिंग का पार्ट है, ये आपको दो बार चाहिए, रिंग का पार्ट कितनी बार चाहिए, दो बार चाहिए, मतलब फिर से मुझे इसे लिखना पड़ेगा, तो फिर से इसे मैं इस तरह लिखूंगा, ये आपकी बेंजीन की रिंग और इस बेंजीन की रिंग को क्या लगाना है आपको, सीएल लगाना है, ऐसे दो बार चाहिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, सोडियम मेटल, यहां पे दो सीएल है इसलिए हम दो बार ले लेते हैं, और ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर ये रिएक्शन हम करते हैं, और यहां पे होता क्या है, तो दो बार NaCl यहां से बाहर निकलता है और ये बेंजीन रिंग इस बेंजीन रिंग को अटैच होती है और बायफिनिल का फॉर्मेशन कर देती है, तो दो बार क्या बनेगा, दो बार बनेगा NaCl, क्लियर है सभी को। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं, कौन सी रिएक्शन है, फिटिग रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, फिटिग रिएक्शन, तो ये सब आपको मैंने पढ़ाया था, एक हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, उसके बाद वुड्स फिटिग रिएक्शन पढ़ी थी, और तीसरी हमने पढ़ी थी फिटिग रिएक्शन, तो ये फिटिग रिएक्शन है, ठीक है, तो इसमें दो बार आपको क्या लेना है, दो बार आपको क्लोरोबेंजीन लेना है, तो ये जो ए बी है ये कौन है आपका, क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका क्लोरोबेंजीन है यहाँ पे, तो क्लोरोबेंजीन क्या है आपका, सबस्ट्रेट है, मतलब ये भी क्लोरोबेंजीन सबस्ट्रेट हो गया, ये दूसरा क्लोरोबेंजीन भी क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, दोनों तो सेम ही है, मतलब आपके दोनों क्या है, सबस्ट्रेट है, दो क्लोरोबेंजीन है, मतलब सबस्ट्रेट हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, और ये ने क्या है आपका, ये सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल क्या हो गया आपका, रिएजेंट, तो इस रिएक्शन में आपका जो रिएजेंट है, और रिएजेंट कौन है, सोडियम मेटल, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस रिएक्शन में हम क्या कहेंगे, हियर द रिएजेंट इज सोडियम मेटल, तो हमने अगर क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन सोडियम से कर दी तो हमें बायफिनिल मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, और इस रिएक्शन को हम फिटिग रिएक्शन कहते हैं, फिटिग, फिटिग है ना, फिटिंग नहीं, क्या कहते हैं हम इसे, फिटिग रिएक्शन, क्लियर है सबको। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा यहां पर खत्म हुआ, अभी हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी, तो क्वेश्चंस इजी होते हैं अगर आपने थ्योरी अच्छे से की है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से नहीं की तो आपको क्वेश्चन हार्ड लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरी को अच्छा बनाना है, जब तक आप थ्योरी अच्छे से नहीं करेंगे, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है उसे आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए, बाद में एक्सरसाइज को हाथ लगाइए, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी, अगला क्वेश्चन है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमें अरेंज करना है, किन्हें अरेंज करना है, तो सबसे पहला
पहला है हमारे पास 1-bromopropane, पहला कौन है हमारे पास 1-bromopropane। दूसरा यहां पे लिखता हूं मैं, दूसरा है हमारे पास 2-bromopropane, दूसरा है हमारे पास 2-bromopropane। उसके बाद तीसरा गिवन है हमें 1-bromobutane, 1-bromobutane। उसके बाद फोर्थ नंबर है 1-bromo-2-methyl, 1-bromo-2-methyl-propane। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो चीज़ें बताने से पहले मैं इसके अभी फॉर्मूले निकाल लेता हूँ, है ना, स्ट्रक्चर निकाल लेता हूँ। तो कैसे निकालेंगे स्ट्रक्चर, देखिए प्रॉप ए यानी मतलब प्रॉप है मतलब तीन कार्बन है। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 ए यानी है मतलब क्या है, सब सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद पहले पे कौन है, ब्रोमो, तो पहले पे ब्रोमो, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ब्रोमो लगा दिया। अभी हाइड्रोजन लगा देता हूँ, 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा देखिए, दूसरा है 2-bromopropane, फिर से प्रॉप है, फिर से प्रॉप है मतलब 1, 2, 3 और दूसरे पे कौन है, ब्रोमो, तो ये लगा दिया मैंने दूसरे पे ब्रोमो, अभी हाइड्रोजन मैंने एडजस्ट कर दिए, ये आपका दूसरा। और तीसरा देखिए अभी 1-bromobut, ब्यूट मतलब चार कार्बन है, 1, 2, 3, 4 और पहले पे ब्रोमो, तो ये पहला, पहले पे क्या लगा दिया हमने, ब्रोमो लगा दिया, अभी हाइड्रोजन एडजस्ट करेंगे, तो ये हो गया आपका 1-bromobutane। सब सिंगल बॉन्ड है क्योंकि ए यानी गिवन है आपको। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो फिर से हमें यहाँ पे प्रॉप गिवन है, तो एक कैसे लिखेंगे अभी, 1, 2, 3 प्रॉप हो गया, पहले पे ब्रोमो तो ये हो गया पहले पे ब्रोमो, और दूसरे पे क्या है, मिथिल, तो ये पहला हो गया, तो इसे दूसरा और इसे तीसरा, तो दूसरे पे मिथिल, मिथिल मतलब क्या होता है, CH3, क्लियर। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये आपके फॉर्मूले बन गए। तो आपको पता क्या होना चाहिए, अभी आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में दो चीजें पता होनी चाहिए, वो दो चीजें कौन सी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये प्रोपोर्शनल होता है आपके मॉलिकुलर मास को, किससे प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिकुलर मास, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो आपका ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है आपको, दूसरा ये याद रखना है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसे, ब्रांचिंग से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसे, ब्रांचिंग से। ये दो बातें अगर आपको पता है, ये मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो एक बढ़ाया तो दूसरा बढ़ेगा, अगर इनवर्स रिलेशन है तो एक बढ़ाया तो दूसरा घटेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको कौन सी ऑर्डर चाहिए, इंक्रीज ऑर्डर चाहिए। इंक्रीज ऑर्डर मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसे हम कहते हैं इंक्रीज ऑर्डर, है ना, इंक्रीज करते जाना है। मतलब सबसे पहले हमें कम वाला देखना है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके बारे में हमें सबसे पहले सोचना है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट किसे प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिकुलर मास को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन कार्बन है, यहाँ पे तीन कार्बन है, यहाँ पे चार कार्बन है, यहाँ पे चार कार्बन है, तो आपको क्या सोचना है। तो यहाँ पे कार्बन बढ़ गए मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ गए, मतलब मॉलिकुलर मास बढ़ेगा। अगर इनका मॉलिकुलर मास ज्यादा है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लियर है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिकुलर मास में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इनका मॉलिकुलर मास ज्यादा है इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहाँ पे तीन कार्बन है, यहाँ पे तीन कार्बन है, मतलब इन दोनों से बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों का कम होगा क्योंकि इनके नंबर ऑफ कार्बन्स कम है, या आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास इनका कम है, क्लियर है सबको। तो अभी देखिए, मतलब ये दोनों तो बाद में आएंगे, पहले इन दोनों के बारे में हमें सोचना है। अगर इन दोनों के बारे में आपने सोचा तो आपको एक और बात याद आ रही है
कि यहाँ पे कार्बन की चेन है और ये स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे क्या है ब्रांचिंग है। देखिए ब्रांच आ गई है ना, ये आपकी स्ट्रेट चेन और उसे क्या है ब्रांच है। अगर ब्रांच आई है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, मतलब इससे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें ब्रांच है। अगर ब्रांचिंग आ गई तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है इसका, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा। उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो इसमें ब्रांच नहीं है, मतलब ये सेकंड नंबर पे आएगा। क्लियर है सभी को। उसके बाद अगर इन दोनों में कंपेयर करना है तो यहाँ पे दोनों का मॉलिकुलर मास सेम है, ठीक है, मॉलिकुलर मास सेम है। आप निकाल के देखो, आपको मॉलिकुलर मास निकालते आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिकुलर मास दोनों का सेम है। अगर मॉलिकुलर मास सेम है तो आप क्या कंपेयर करेंगे, ब्रांचिंग का कंपेयर करेंगे। अगर आपने ब्रांचिंग कंपेयर कर दी तो आपको यहाँ पे स्ट्रेट चेन दिख रही है और यहाँ पे ब्रांच दिख रही है, मतलब यहाँ पे ब्रांच है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। मग कैसे लिखेंगे हम इसे, तो ये आ जाएगा तीसरे पोजीशन पे, क्योंकि इस पे ब्रांच है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगा और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रांच भी नहीं है और सबसे ज्यादा कार्बन भी है और मॉलिकुलर मास सबसे ज्यादा है। क्लियर है सभी को। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखनी है तो सबसे कम कौन है, बी, उससे ज्यादा कौन है, उससे ज्यादा कौन है, ए, उससे ज्यादा कौन है, डी, और सबसे ज्यादा कौन है, सी। तो ये हो गई आपकी ऑर्डर, इसे कहते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे लिखते हैं। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला होता तो, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला होता तो सबसे पहले कौन आता, सबसे पहले आता ये, सबसे ज्यादा। डिक्रीजिंग मतलब सबसे बड़ा पहले लिखना है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू होती थी, मतलब सबसे पहले आता था सी, उसके बाद कौन आता था, डी, और उसके बाद कौन आता था, उसके बाद आता था ए, और सबसे लास्ट में कौन आता था, बी, ठीक है। तो ऐसे दो ऑर्डर होती है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गई, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये जो मैंने यहां पे निकाली है इसे क्या कहते हैं हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये दो बेसिक चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए। क्लियर है सबको, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच आपको समझना है। अगर आपको अप्रोच समझ गया कैसे करना है तो आप कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। अगला क्वेश्चन इजी है और वो क्वेश्चन होने के बाद ये लेक्चर हम रैप अप कर देते हैं, ठीक है। तो अगला पार्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। वो छोटा सा क्वेश्चन क्या है, तो वो है मैच द पेयर। आपको पेयर मैच करनी है, पेयर मैच करनी है आपको, मैच द पेयर क्वेश्चन है आपका, मैच द पेयर। तो किसे मैच करना है हमें, देखिए एक बार। कॉलम वन में हमें क्या दिया है, कॉलम वन, कॉलम वन, और इधर दिया है हमें कॉलम टू, कॉलम टू, ऐसे दो कॉलम दिए। पहले कॉलम में क्या गिवन है, देखिए ए नंबर आपको गिवन है CH3 CH X CH3, बी नंबर गिवन है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 X, सी नंबर गिवन है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH और X। यहाँ पे फर्स्ट नंबर गिवन है विनिल हैलाइड, फर्स्ट नंबर गिवन है आपको विनिल हैलाइड, सेकंड नंबर गिवन है आपको अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड, उसके बाद थर्ड नंबर गिवन है आपको अलाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, उसके बाद फोर्थ नंबर गिवन है आपको बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, और लास्ट गिवन है आपको फिफ्थ नंबर अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। तो ये कुछ चीजें हमें दी हैं। तो हमें कैसे अप्रोच करना है सबसे पहले देख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले ये क्या है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सभी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सभी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और उसे क्या अटैच है, हैलोजन अटैच है। मतलब कार्बन कार्बन में सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम इसे R से डिनोट कर सकते हैं, अल्किल ग्रुप है,
अल्किल ग्रुप है ना, क्योंकि कार्बन कार्बन में सभी सिंगल बॉन्ड है तो अल्किल ग्रुप है, और उसे कौन अटैच है, एक्स अटैच है, तो ये जनरल फॉर्मूला है। किसका जनरल फॉर्मूला है, अल्किल हैलाइड का। मतलब ए नंबर का आपका आंसर कौन सा होगा, सेकंड, ठीक है। तो ये अल्किल हैलाइड है जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है और हैलाइड उसे अटैच होता है, वो क्या होता है, अल्किल हैलाइड होता है। उसके बाद यहां पे क्या देखिए, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, तो ये इतना ग्रुप मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। इसमें हैलोजन कौन से कार्बन को अटैच है, ये कार्बन ने यहां पे ये एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और दो हाइड्रोजन के साथ दो सिग्मा बॉन्ड, मतलब चार सिग्मा बॉन्ड किए। अगर चार सिग्मा बॉन्ड किए मतलब ये कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और उसके बाजू में जो आपको दिख रहा है इसमें देखिए कार्बन ने क्या किया है, एक डबल बॉन्ड किया है, एक डबल बॉन्ड किया है मतलब एक पाई बॉन्ड है और तीन सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज है। जब ऐसा होता है तो इसे हम अलाइल कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे, अलाइल, मतलब इसका आंसर होगा थर्ड नंबर। तो ये आपका थर्ड नंबर हो गया, इसका आंसर अलाइल हैलाइड है। तो बी नंबर का क्या होगा, थर्ड नंबर अलाइल हैलाइड है। उसके बाद ये देखिए, तो इसमें आपको पता होना चाहिए ये इतना ग्रुप, तो हैलोजन ऐसे कार्बन को अटैच है जिस कार्बन ने एक डबल बॉन्ड किया है, एक डबल बॉन्ड किया है मतलब उसने तीन सिंगल बॉन्ड किए, तीन सिग्मा बॉन्ड है, तीन सिग्मा बॉन्ड है मतलब sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp2 को डायरेक्ट हैलोजन अटैच है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम विनाइल कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे, विनाइल। और ये जो ऊपर वाला था ये कौन था, अलाइल था। अगर ये विनाइल है और x मतलब क्या होता है, हैलाइड, तो विनाइल हैलाइड मतलब इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट नंबर। क्लियर है सभी को, तो विनाइल मतलब क्या होता है, तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैंने ऐसा लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, तो ये जो ग्रुप है आपका, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अलाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, अलाइल कहते हैं। उसके बाद अगर मैंने ऐसा लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, विनाइल कहते हैं। बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और अल्काइल तो मैंने बोल दिया आपको, जब कार्बन कार्बन में सभी सिंगल बॉन्ड हो गए और उसे हैलोजन अटैच होगा तो अल्किल हैलाइड हो गया। अब बेंजाइल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे बेंजीन की रिंग निकाली और इस बेंजीन रिंग पे CH2 लगा दिया, तो ये जो ग्रुप है इसे हम क्या कहते हैं, बेंजाइल कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे, बेंजाइल कहते हैं। और अराइल क्या होता है, तो अराइल क्या होता है, तो आपको बेंजीन की रिंग निकालनी है और बेंजीन की रिंग से यहाँ से कहाँ से तो भी आपको हाइड्रोजन निकाल देना है। अगर आपने हाइड्रोजन निकाल दिया तो इसे हम क्या कहते हैं, अराइल कहते हैं, रिमूव हाइड्रोजन। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, रिमूव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव किया हमने यहाँ से, ठीक है, तो इसे हम अराइल कहते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर तो इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये तीन, पहले तीन ही ऑप्शन थे। तो आपका पहला हो गया अल्किल हैलाइड, दूसरा हुआ आपका अलाइल हैलाइड, और जो तीसरा था वो क्या हो गया, विनाइल हैलाइड। तो इस तरह से हमने ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म किया। अभी जिसने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है अन अकेडमी पर, वो मुझे अन अकेडमी पर फॉलो करें। उसके साथ ही अन अकेडमी पर हमारे लेक्चर्स रहते हैं, उसके साथ यूट्यूब पर भी हम लेक्चर लेते हैं। तो आपको सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन करना है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको यूट्यूब के लेक्चर भी करने हैं और उसके साथ अन अकेडमी पर मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर भी आपको लेक्चर अटेंड करने हैं।